मुरादाबाद के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह लगातार सरकारी कार्यालयों में निरीक्षण कर जानकारी उपलब्ध कर रहे हैं कि कहां समस्या है और कहां समाधान की आवश्यकता है। मुरादाबाद के कांट रोड स्थित विकास भवन में पहुंचे जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया, मौजूदा अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह का ये कहना था कि फरियादियों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए और जो कमियां हैं उनका सुधार भी होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी श्री शैलेंद्र कुमार सिंह ने विकास भवन मुरादाबाद का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने जिला विकास कार्यालय में निरीक्षण के दौरान सोशल ऑडिट कक्ष में जगह जगह पुराने अभिलेख बेतरतीब तरह से रखे हुए पाए तथा कुर्सियों का ढेर लगा हुआ पाया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि यदि पुराने अभिलेखों की आवश्यकता नहीं है तो उसको नियमानुसार वीडिंग कराएं, अन्यथा उसको कंसाइनमेंट कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिलाधिकारी ने कार्यालयों की साफ सफाई एवं कार्यालय व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कार्यालय सहायकों के कार्य विभाजन की समीक्षा भी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी श्री शैलेंद्र कुमार सिंह ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण कार्यालय का निरीक्षण करने पर पाया कि ट्राईसाइकिल एवं व्हीलचेयर अनुपयोग रखी हुई थी, जिस पर जिलाधिकारी ने दिव्यांग जनों को नियमानुसार ट्राईसाइकिल एवं व्हीलचेयर एक सप्ताह के अंदर वितरित करने के निर्देश दिए। हथकरघा विभाग में निरीक्षण के दौरान वर्ष 2004-05 के प्रस्ताव रखे हुए पाए गए। जिलाधिकारी द्वारा पूछे जाने पर कार्यालय सहायक संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। जिलाधिकारी ने अनुपयोगी अभिलेखों को एक सप्ताह के अंदर वीडिंग कराने के निर्देश दिए। पशुपालन विभाग में निरीक्षण के दौरान अलमारियों के ऊपर अभिलेखों को रखा पाया तथा कार्यालय में पर्याप्त रोशनी भी नहीं थी, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि पुराने अभिलेखों की वीडिंग कंसाइनमेंट की कार्यवाही एक सप्ताह के अंदर कराना सुनिश्चित करें। वैकल्पिक ऊर्जा विभाग में निरीक्षण के दौरान कार्यालय की लकड़ी की रैक में पुराने अभिलेखों में से जिलाधिकारी ने एक पत्रावली को निकाल कर देखा तथा पाया कि लाइटों के लगाए जाने संबंधी वर्ष 2015-16 के प्रमाण पत्र रखे हुए थे, जिनके वीडिंग कंसाइनमेंट कराने के निर्देश दिए गए। लघु सिंचाई कार्यालय में जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान कार्यालय में पाया कि 4 कर्मचारी बैठे हुए थे तथा उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा था और न ही उनके टेबल पर कोई पत्रावली आदि रखी थी। जिलाधिकारी ने इस पर अत्यंत रोष व्यक्त करते हुए संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया कि शासकीय कार्यों का नियमानुसार प्रतिदिन निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सहायक अभियंता लघु सिंचाई को कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। पंचायती राज विभाग कार्यालय का निरीक्षण करने पर जिलाधिकारी ने पाया कि कार्यालय में ग्राम पंचायतों की ऑडिट रिपोर्ट संबंधी अभिलेख अत्यधिक मात्रा में रखे हुए थे। जिलाधिकारी ने पुराने अभिलेखों को एक सप्ताह के अंदर नियमानुसार वीडिंग अथवा कंसाइनमेंट कराने के निर्देश दिए तथा साथ ही कार्यालय को सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। सहकारिता विभाग में निरीक्षण के दौरान पाया कि अत्यधिक अलमारियां रखी हुई थी, जिसके कारण कार्यालय में पर्याप्त रोशनी नहीं थी तथा कार्यालय में पुराने अभिलेख भी रखे हुए थे, जिस पर जिलाधिकारी ने कार्यालय को एक सप्ताह के अंदर सुव्यवस्थित करने तथा अनुपयोगी अभिलेखों की वीडिंग अथवा कंसाइनमेंट सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने उक्त के अतिरिक्त विकास भवन स्थित अन्य सभी कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि समस्त अनुभागीय अधिकारी अपने कार्यालय कक्षों में बैठने वाले कर्मचारियों का नाम, पदनाम तथा उनके मोबाइल नंबर कक्ष के बाहर दीवार पर लिखवाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि समस्त अनुभागीय अधिकारी कार्यालय कक्ष में बैठने वाले कर्मचारियों के कार्य विभाजन का विवरण कक्ष में मुख्य स्थान पर अंकित कराना सुनिश्चित करें तथा इसका विवरण मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराएं। समस्त अनुभागीय अधिकारी अपने कार्यालय स्टाफ के साथ बैठकर कार्यालय को सुव्यवस्थित करने संबंधी बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए कार्यालय को सुसज्जित बनाना सुनिश्चित करें। कार्यालय के अभिलेखों एवं फर्नीचर आदि को नियमानुसार वीडिंग अथवा कंसाइनमेंट कराने की कार्यवाही 15 दिन के अंदर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि कार्यालय में रखे कंप्यूटर, प्रिंटर, फोटोस्टेट आदि को ई वेस्ट रूल्स नियमावली 2016 के अनुसार निस्तारण करें। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन आदि अधिकारी गण भी उपस्थित रहे।